राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजंस। आज हम आसान भाषा में जानेंगे क्या है बुजुर्ग नागरिकों के अधिकार और कानूनी अधिकार। दोस्तों, कई बार ऐसे मामले देखने में आते हैं जब घर के लोग, जिनको बुजुर्गों ने पाल पोस कर बड़ा किया है, वो उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें रहना, खाना, कपड़े, दवाइयां नहीं देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार क्या हैं, जिससे वो अपने घर, अपने परिवार और समाज में एक बेहतर जिंदगी पा सकते हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या स्कीम्स चला रखी हैं। आइए जानते हैं कि भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है। संविधान कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर ऐसे प्रावधान बनाए जो बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में लोगों की मदद कर सके, उन्हें नौकरी, पढ़ाई और मदद आसानी से मिल जाए, ऐसा उपाय किया जा सके। दोस्तों, ये संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है, अतः इनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि यह नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो देश की संसद और विधानसभाओं को कानून बनाते समय इन नीति निर्देशकों का पालन करना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स के अनुसरण में भारतीय संसद ने कई सारे कानून बनाए हैं, जिनमें सेक्शन 125 CRPC के तहत वो बुजुर्ग जो समर्थ हों और उनकी औलादें उनका भरण पोषण करने में समर्थ हों, लेकिन वो ऐसा ना कर रही हों, तो ऐसे बुजुर्ग न्यायालय में जाकर अपने भरण पोषण की याचिका लगा सकते हैं और न्यायालय इस बाबत एक आदेश पारित कर ऐसे बुजुर्गों को एक मासिक रकम दिलवा सकता है। अगर कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की जाती है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को सजा भी दे सकता है। यह सजा 3 महीने की जेल या 5,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारत सरकार ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन 1999 भी बना रखी है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के मुताबिक कोई भी ऐसा वरिष्ठ नागरिक जो अपनी कमाई से अपनी देखभाल करने में सक्षम ना हो, उसकी मदद करना, उसके परिवार जिसमें बेटा, बहू, दामाद, पोता या पोती शामिल है, का फर्ज है। इसमें रिश्तेदार जो उन बुजुर्ग लोगों की चल या अचल संपत्ति का वारिस होगा को भी कवर किया गया है। अगर ये लोग ऐसा करने से मना कर दें तो उनकी शिकायत की जा सकती है और गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है। इसकी लिमिट 10,000 रुपये महीना तय की गई है। इस एक्ट में एक और बात जो अहम है वो यह है कि अगर किसी बुजुर्ग के बच्चे, जिन्होंने उन बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट इस शर्त पर किया है कि वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे, और वो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे ट्रांसफर को फ्रॉड माना जाएगा। इस ट्रांसफर को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी प्रॉपर्टी उस नागरिक को वापस मिल जाएगी। इस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल भी बनाने का प्रावधान है और ट्रिब्यूनल को इन मामलों का निपटारा 90 दिन के अंदर अंदर करना चाहिए। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनका कोई वारिस नहीं है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार का दायित्व है। इसके तहत नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती है। इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजंस के कुछ राइट के बारे में बात करेंगे। कानून में सीनियर सिटीजंस को कई सारे राइट्स मिले हुए हैं। अगला राइट जिसकी हम बात करेंगे वो भी इनकम टैक्स से ही आता है। इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजंस को टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की छूट दी गई है, यानी 3 लाख तक की इनकम के ऊपर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता। वहीं सुपर सीनियर सिटीजंस यानी वो बुजुर्ग जो 80 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हैं, उन्हें यह छूट 5 लाख रुपए तक की दी गई है। सीनियर सिटीजंस जो कि अगला राइट मिलता है वो राइट है इनकम टैक्स की धारा 80D में टैक्स छूट। इस धारा में सीनियर सिटीजंस 50,000 रुपए तक की टैक्स छूट मेडिकल इंश्योरेंस में ले सकते हैं। सेक्शन 80TTB सीनियर सिटीजन ₹50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी छूट मिलती है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं। इसके साथ कुछ मॉरल अधिकार भी सीनियर सिटीजन्स को मिले हैं कि हम उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। बुजुर्गों के सम्मान से एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बनता है, एक अच्छी दुनिया बनती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।